इसके हिंदुस्तान में जो व्यक्ति चीन शाह भाषा आता है ना, वो कभी नहीं बताते कि चीन शाह भाषा क्या है। और जब कोई दूसरे व्यक्ति से मिलता है जो दूसरा भाषा बोल रहा है, वो कुछ हैंड लैंग्वेज करते हैं, समझ सकता है, ये अंग्रेज नहीं कर पाता है, कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप लोग कोई भी संस्था के साथ संबंधित है, चाहे आप प्रोफेसर है, टीचर है, या आपका कंपनी है, आज से कृपा करके अगर आप देवनागरी इस्तेमाल करते हैं, वो 200 भाषा करीब करीब, नेपाली भी देवनागरी इस्तेमाल करता है, अंग्रेजी मत लगाओ, देवनागरी लगाओ। अगर आप तमिल है, तमिल लगाओ, तेलुगु लगाओ। उससे आप खाली आपका बच्चा नहीं, आपका पड़ोसी जो भी है वो सीख लेगा। और मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं भी बॉलीवुड में भी नौटंकी किया है टीवी सीरियल्स में, लेकिन मुझे भी वहां रहना पड़ा ना बॉम्बे में बहुत साल पहले, तो मुझे बस पकड़ना पड़ता है। और अगर आप बॉम्बे में रहेंगे ना, तो मराठा लोग मराठी, अपन किसी हाल में भी थोड़ा बहुत सीख लिया। तो महाराष्ट्र लोग क्या करता है ना, बस में सामने में जो नंबर्स है वो मराठी में लिखा है और साइड में अंग्रेजी में। तो उससे क्या होता है, जब बस आ रहा है, अगर आप मराठी पढ़ सकते हैं ना, तो आपको मान लो कि ये आपका बस है, आप दो दौड़ करके सीट मिल सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं सकता है और साइड वाला पढ़ लेता है अंग्रेजी में, आपको कभी सीट नहीं मिलना। तो मैं जिस जिस नंबर को पकड़ना मैं सब सीख लिया। आप समझ गए कितना महत्वपूर्ण है। अब ये छोटी चीज नहीं है, आप दिल्ली जाइए, बर्फाप जाइए, वहां हजारों नियम लिखा है, किस भाषा में, अंग्रेजी। किसके लिए, हम लोग के लिए, हम लोग को भूल जाओ, ये आपका देश है, हमारा नहीं है। ठीक है, मैं भारत नागरिक, लेकिन अलग बात है। और आयुर्वेदा कितना बढ़िया चीज है। जब भी कोई नेता आता है आपका प्रदेश में, उनसे पूछिए, हमारा प्रदेश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कब बनने वाला है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिहार में नहीं है, सिर्फ गोवा, पता नहीं गोवा कैसे पहुंच गया। दिल्ली में और गोवा में, अभी दिल्ली जाए या गोवा जाए, जाके के विजिट करो, कमाल है। क्योंकि आयुर्वेद में क्या है, जितना जो वो आपको जो गुरु जी जो समझा रहे हैं ना, चिकित्सा भोजन खाना है, दवाई कम लेना है, ये सब ज्ञान वो है आयुर्वेद में, है कि नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल करके। और हम खुद चाहता है कि आप, हाँ एक वो बात है जो लोग शायद समझता नहीं है, और लोग हमसे पूछता है, खाए खाए लोग हमसे पूछा, अरे मेरा पति को ध्यान अच्छा नहीं लगता है। कोई पूछता है कि मैं ध्यान बैठ करके लेकिन 2 घंटा तक बैठ नहीं सकता है, क्या करो। इसलिए आसन और प्राणायाम है। और फैक्ट है, देखिए आपको याद है, अगर आप कभी भी इतना उम्र है कि गांव में रहता था ना, तो गांव में कितना भी ज्यादा उम्र है ना, आप स्क्वाट करके बैठता है। आजकल तो बच्चे लोग जमीन में भी नहीं बैठ सकते है ना, फ्लेक्सिबिलिटी चले गए ना हम लोग के शरीर में ना। और मैं शायद आप देख नहीं सकते ठीक से, लेकिन मैं दिखाएंगे, ये अंग्रेज का हाथ है, तो अंग्रेज का हाथ वापस नहीं जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तानी का हाथ जो है ना, वो एकदम पीछे चले जाता है। क्योंकि हम लोग का शरीर कलम, 300-400 साल से कलम, आप तो कंप्यूटर हो गए ना, लेकिन कलम तो हम लोग, तो जनरली विदेशी लोग और आजकल का जो नया फैशन हिंदुस्तानी जो अंग्रेज बनना चाहता है, उसको बॉडी बहुत स्टिफ हो जाता है। तो इसलिए बनाया आसन, फिर प्राणायाम। प्राणायाम क्यों करता है, क्योंकि इसमें एक साइंस है, उसका नाम है स्वर योगा। और स्वर योगा में क्या होता है, 60-90 मिनट्स एक सांस से ब्रेथ लेता है, 2-3 मिनट दोनों सुषुम्ना और 60-90 मिनट्स दूसरा। और ये नासा और रशियन स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स वो सब सीख लेता है। जब आपको दोनों नाड़ी चल रहा है ना, तो आपका मन सबसे शांत और मेडिटेशन सबसे उत्तम। जब एक नाक चल रहा है ना, तो आपका मन चाहे इंट्रोवर्ट है चाहे एक्सट्रोवर्ट है, कभी भी आप नोटिस करो, जब आपको एस्थमेटिक अटैक है, माइग्रेन है, कॉन्स्टिपेशन है, एक नाक बंद होता है ना, तो ये थर्मामीटर है। तो प्राणायाम से अगर आप ठीक से प्राणायाम करता है ना, तो आप इंड्यूसमेंट ऑफ सुषुम्ना, सुषुम्ना जितना ज्यादा होगा इतना बढ़िया आपका ध्यान होगा।